कोरोना वायरस महामारी से दुनिया अभी उभरी नहीं कि चीन में मिले नए वायरस से लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस वायरस से महामारी फैलने की संभावना ज़्यादा है। फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। सुअरों में मिला यह वायरस इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। जानिए कितना खतरनाक है यह वायरस। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जानिए कितना खतरनाक है यह वायरस। इस वायरस को G4EAH1N1 का नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं को डर सता रहा है कि यह वायरस और ज़्यादा म्यूटेट होकर आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दुनिया के लिए चिंताजनक खबर यह है कि इन्फ्लुएंजा की यह नई नस्ल उन शीर्ष बीमारियों में शामिल है जिस पर विशेषज्ञ अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वह भी तब जब दुनिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जूझ रही है। G4EAH1N1 वायरस पूरी दुनिया में महामारी का खतरा उत्पन्न कर सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि इस फ्लू वायरस में वे सभी लक्षण मौजूद हैं जिससे यह इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस की करीब से निगरानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह वायरस नया है, इसलिए लोगों में या तो बहुत कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी या होगी ही नहीं। कोरोना वायरस से पहले दुनिया में अंतिम बार फ्लू महामारी वर्ष 2019 में आई थी। उस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। मेक्सिको से शुरू हुआ यह स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना कि अनुमान लगाया गया था। इस बार कोरोना वायरस के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में अगर नया वायरस फैलता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। इस नए वायरस G4EAH1N1 के अंदर अपनी कोशिकाओं को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। वैज्ञानिकों को चीन के अधिकारियों से बात करनी पड़ी है। फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम नहीं है। प्रोफेसर किन चो चांग ने कहा कि हम अभी कोरोना संकट से घिरे हुए हैं, लेकिन हम अभी भी संभावित खतरनाक वायरसों पर अपनी नज़र हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।